सतारा जिले में पिछले 2 वर्षों से अपराध दर में तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। नाबालिग युवाओं को अपराध करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और भविष्य के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। जिले में ऐसे कई गिरोह हैं जो ऐसे अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिले के कोने कोने में हत्या, डकैती, मारपीट, बलात्कार जैसे अपराध व्याप्त हैं। पुलिस अधिकारी और कर्मचारी बदलते रहते हैं, लेकिन जब कोई नया राजा आता है तो नए नियम लागू होते हैं। बढ़ते हुए तदपरी जैसे कानूनी तरीके अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों के विरुद्ध मोका MPDA अपनाया जाता है। जिला पुलिस बल द्वारा वर्ष 2022 से 23 में अब तक 102 आपराधिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इसमें से 1 MPDA एवं 5 गिरोह के 56 लोगों को मोका प्राधिकार धारा 55 के अधिकार पुलिस अधीक्षक को और धारा 56-57 का अधिकार प्रांतों को तालुका स्तर पर दिया गया। 55 से 13 प्रस्ताव पाठवण्यात आले होते, 56 से 34 प्रस्ताव पाठवण्यात आले होते, 57 से 13 प्रस्ताव पाठवण्यात आले होते, MPDA 5 प्रस्ताव होते आणि 56 लोकांवर मुकाशी कारवाई करण्यात आली होती मागच्या वर्षी। याचा नक्कीच गुन्हेगारावर चांगला प्रभाव आपल्याला दिसलेला आहे आणि यापुढेही आम्ही आणखीन असे प्रस्ताव आम्ही बनवून असे जे आरोपी आणि टोळे आहे गुन्हेगारी करत असतात त्यांच्यावर आम्ही असे प्रस्ताव पाठवतो। अल्पवयीन मुलांच्यामध्ये वाढणारी गुन्हेगारी हा सर्वांच्याच दृष्टीने अत्यंत चिंतेचा विषय आहे, मात्र या बाबतीत कुठल्या तरी एका क्षेत्राला दोष देऊन इतरांनी आपल्या हात वर करणं चुकीचं आहे। फक्त शिक्षण क्षेत्राला दोष न देता आपण गांभीर्यानं विचार केला तर एक गोष्ट लक्षात येईल की सर्वच क्षेत्रातील ढासळणारी जी नैतिकता आहे ती याला कारणीभूत आहे। कोणतंही क्षेत्र घेतलं तर नैतिकतेचा पूर्णपणे ऱ्हास झालेला आहे, भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे आणि या मुलांच्या पुढं कुठल्याही प्रकारचे आदर्श ठेवून आपल्याला शक्य झालं नाही। सातारा शहरामध्ये गेली वर्षभर गुन्हेगारीचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चाललेलं आहे। जर कॉलेजच्या मुलानं स्वतःच्या दप्तरामध्ये जर कोयता आणला तर पालकांचं लक्ष कुठं आहे? सध्या पालक काय करतात, पालक काय करतात त्यापेक्षा सातारा शहर गुन्हेगारीकडे वळतो आहे का? पुण्या मुंबईचा जो ट्रेड आहे गुन्हेगारीचा की सामूहिक 5-25 युवकांनी एकत्र येऊन एखाद्यावर हल्ला करायचा, सामूहिक हल्ला करायचा आणि एक सातारा शहरासारख्या शांत शहरामध्ये दहशत निर्माण करायची। बता दें कि सतारा जिला क्रांतिकारियों का जिला है। इस जिले ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, ऐसे में अपराधों की वजह से जिले का नाम बदनाम होने लगा है। इसीलिए अपराध को खत्म करने के लिए अपराधियों पर मौका के तहत कार्रवाई करना आवश्यक है, तभी अपराध की घटनाओं में कमी आएगी। जिले में बढ़ते अपराधों की वजह से पुलिस और कानून की जुबान कम हो रही है। शांतिपूर्ण सतारा अशांत क्यों हुआ, ये चिंता का विषय तो है ही, साथ ही एक सवाल भी है। जिले में बढ़ता बाल अपराध गंभीर मामला बनता जा रहा है, इन बच्चों को शिक्षित और जागरूक करने की जरूरत है। सतारा से संवाददाता इम्तियाज की।